बलजीत जी ने जब कुछ महीने पहले पीपल फार्म से पोगो को लिया, उस समय पोगो की स्किन बहुत खराब थी। उससे थोड़े ही समय पहले पोगो को वेरोनिका फार्म लाई थी। पोगो जब वेरोनिका को मिला था तो उसके पूरे शरीर पे घाव थे, उसके पंजे भी बहुत सूजे हुए थे और वो बहुत ही कमजोर था। वेरोनिका पालमपुर में एनिमल रेस्क्यू करती है, पर उसके पास पर्याप्त जगह नहीं थी तो वो पोगो को यहाँ ले आई। पोगो को देखते ही वेरोनिका समझ गई थी कि ये किसी का वो पेट है जिसे छोड़ दिया गया है। उसका मालिक बहुत ही जलील किस्म का आदमी रहा होगा, क्योंकि ना तो उसने सिर्फ पोगो को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, पर इसलिए भी क्योंकि उसने उसके कान का एक हिस्सा भी काट दिया था। कई लोग जिन्हें अपने कुत्तों के कान एंटीने की तरह खड़े करने पसंद होते हैं ना, तो वो ऐसा करते हैं और वो ये भी नहीं सोचते कि उस पे क्या बीतेगी, उसे कितना दर्द होगा। इसे ईयर डॉकिंग कहा जाता है और ये गैर कानूनी है। मुझे लगता है ये लोग खुद किसी हीन भावना का शिकार होते हैं। इलाज और मेडिकेटेड बाथ के दौरान पोगो हमेशा हमें ऐसे देखता था कि मानो पूछना चाह रहा हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। कह पाता तो शायद वो ये भी कहता कि भाई जानवर तो तुम हमें कहते हो, पर इंसान से ज्यादा जंगली कोई नहीं है। बलजीत जी ने इंस्टाग्राम पे पोगो की अडॉप्शन पोस्ट देखी और वो उससे मिलने आया। पोगो से मिलते ही बलजीत ने उसको गोद लेने का मन बना लिया। अब शेल्टर्स में डॉग तनाव में रहते हैं तो रिकवरी धीमी रफ्तार से होती है। तो बलजीत जी से हमने पूछा कि क्या वो उसका ट्रीटमेंट खुद अपने घर पे जारी रख सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर अंकित का कहना था कि ठंडे इलाके में यहाँ के मुकाबले पोगो की रिकवरी बेहतर होगी। अब अक्सर तो फार्म से कोई भी जानवर पूरी तरह स्वस्थ होके ही जाता है, तो इसीलिए आज हम पोगो का हालचाल पूछने करेरी गए। पोगो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, उसके शरीर के घाव भर चुके हैं और उसका व्यक्तित्व भी काफी बदल गया है। वो हमसे बहुत प्यार से मिला, वो हमारे साथ खूब खेला और उसने हमें अपना गांव भी घुमाया। बलजीत का प्यार पाके वो अपने मानसिक दर्द से भी काफी हद तक उबर चुका है, लेकिन आज भी उसके कानों को हाथ लगाओ तो वो पिछले दर्द को याद करके चिल्ला पड़ता है। समय के साथ शायद ये घाव भी भर जाएंगे। बलजीत एक चैन की जिंदगी जीते हैं और शायद ऐसा इसीलिए है कि वो उन लोगों में से हैं जो दूसरों की मदद करने को अपने स्वार्थ से ऊपर रखते हैं। बहुत से लोग अपने घर किसी कुत्ते को दिखावे के लिए या रखवाली के लिए या एक शौक पूरा करने के लिए लाते हैं, और इसीलिए शायद उन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि वो कुत्ता दिखने में कैसा। पर बलजीत पोगो को अपने घर अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं लाए, पर इसलिए लाए क्योंकि पोगो को एक घर और प्यार की जरूरत थी।